और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आज जो रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो हमारा टॉपिक है तर्क एंड आर्गुमेंटेशन। हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए टोटल वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है। अब हमारे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के लिए भी ये वीडियो अपलोड हो रहा है। आप देखिए, हमें तर्क और आर्गुमेंटेशन में समझना है कि आखिर होता क्या है। तर्क कहने का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया या कथन दिया, अब उस पर दो हमारा तर्क दिया हुआ है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह तर्क होगा, यानी यह निष्कर्ष हो रहा है। अगर वो स्टेटमेंट कथन के अनुसार हमारा तर्क सही नहीं है तो गलत है। हम इसको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में बेटे को बेटी पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जैसे भी आजकल लोग क्या करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान उसकी जांच कराते हैं कि बेटा है कि बेटी है, जबकि सरकार ने इसको गैर कानूनी घोषित किया है। अगर जो डॉक्टर इसको चेक कर रहा है या कोई संस्थान चेक कर रहा है या जो पेरेंट्स चेक करा रहे हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो इन पर अच्छी खासी जुर्माना भी लगता है और 6 महीने तक इनको जेल भी जाना है, फिर भी लोग ऐसा कराते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गर्भावस्था के दौरान जो परिवार अपने नर है कि मादा है उसकी जांच कराते हैं, क्या वो सही है? तो पहला अगर तर्क दिया रहा है कि हाँ, यह बिल्कुल सही है, हर परिवार का अधिकार है कि वो जन्म से पहले जान सकें कि होने वाला बच्चा नर है कि मादा है। दूसरा, नहीं, इससे क्या होगा कि हमारे समाज में संतुलन जो है बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग क्या हैं, बेटियों के विरुद्ध में हैं। लोग कहते हैं बेटियां दूसरे पराई घर की धन होती है, हमें उसको शादी ब्याह करना है, इतने पैसे देने हैं, इतना पढ़ाना है, ये सारी मेंटलिटी माइंड में आती है। पर यह नहीं सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, हमारे घर भी तो दूसरे घर की लड़की आती है। अगर हर कोई यह सोच ले तो किसी के घर में लड़की ही ना हो, तो लड़की ना हो, सबके घर में केवल लड़के हो, तो दूसरे के घर की जब लड़की ही नहीं रहेगी तो आपके बेटे की शादी किससे होगी? यह बात लोग सोचते नहीं है, सोचते हैं एक बेटा बस हो गया, हमारी सारी टेंशन खत्म, अब जो भी आना है हमारे घर पर आना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद एक एक मुद्दे पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा दिया हुआ है क्या गर्भावस्था के दौरान, क्वेश्चन है क्या क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, यह हमारा कथन हो गया। अब हमें तर्क दिया हुआ है। तर्क पहला दिया हुआ है, हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध अंधाधुंध हत्या होती है, और अंततः सामाजिक असंतुलन होता है,
अंततः सामाजिक असंतुलन होता है। सेकंड तर्क हमारा दिया हुआ है, नहीं लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना। हमारा कथन दिया हुआ है क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन दिया हुआ है कि जब भी गर्भावस्था होता है उस गर्भावस्था के दौरान लोगों को यह माइंड में रहता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा, तो क्या जो डॉक्टर से जाके निरीक्षण कराते हैं कि डॉक्टर साहब निरीक्षण अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं कि यह लड़का है कि लड़की है। हमारे समाज की ऐसी कुरीतियाँ हैं कि लड़की को समझते हैं कि लड़की को शादी करना है तो बहुत सारे पैसे देना है, लड़की को पढ़ाना लिखाना है, ये सारी बहुत सारी कुरीतियाँ माइंड में बैठी हुई है। तो क्या इसे जाँच कराने पर कम्प्लीट प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें तर्क हमारा दो दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होता है। अब सामाजिक असंतुलन कैसे होता है हमें यही समझना है। सामाजिक असंतुलन का मतलब है कि अगर हमारे देश के हर व्यक्ति यह समझ लें कि हमें बेटा ही चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, सबको अगर बेटा ही चाहिए तो बेटी किसी को नहीं चाहिए, तो अगला जनरेशन बेटा से कैसे होगा। हमें पता है कि हमारे लड़के की शादी होती है, हमारे घर बहू आती है, बहू आता है उसके बाद अगला जनरेशन होता है, तो हर कोई समझ ले कि हमें बेटी चाहिए ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है कि नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत है। सेकंड, हमें कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारे हमारे इस धरती पे आना चाह रहा है हम उसको जानने के बाद वो लड़की है उसकी हत्या करा दें, ठीक है, ये हमें कोई भी अधिकार नहीं है, ये कंप्लीट गैर कानूनी है, यह एक हत्या है। किसी को अजन्मे ही उसकी हत्या कर देना ये दुनिया का सबसे बड़ा घोर अपराध है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, हाँ इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होता है। तो पहला तो तर्क हमारा बिल्कुल सही है। अब सेकंड तर्क देखना है। सेकंड तर्क दिया है, नहीं लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर बच्चा आपका जन्म ले रहा है वो लड़का है या लड़की है, जन्म लेने के बाद तो आप क्या आपके जानने वाले आपके गांव समाज दोस्त रिलेटिव हर कोई जानेंगे, तो आपको यह जानने की इतनी बेचैनी क्या है कि बच्चा जो 9 महीने बाद जन्म लेने वाला है वो लड़का है कि लड़की है। यह कहीं ना कहीं आपके मन में एक बहुत ही दुर्भावना दिखा दे रहा है, नैतिकता का हनन दिखा रहा है कि आप चाह रहे हैं, आपके मन में ये कुरीतियाँ बैठी हुई है कि अगर लड़की है तो उसको मार देंगे, उसको धरती पे हम जन्म लेने ही नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में आप एक गलत प्रवृत्तियों को दिखा दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो सेकंड हमारा तर्क है यह बिल्कुल ही गलत है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यह सीखा कि हमारा कथन फर्स्ट क्या है, जो कथन के द्वारा तर्क फर्स्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल ही हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह तर्क आर्गुमेंटेशन का जो क्वेश्चन होता है हम इसको रट के कभी भी नहीं बना सकते हैं। रट के अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आप विश्वास रखो कि आपसे गलत होना ही है। इसलिए आप उस बारीकियों को समझो, आप 20 क्वेश्चन को ही बनाओ, 30 क्वेश्चन को ही बनाओ, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझो कि किस बिहाब पे हमें इसे सिलेक्ट करना है, किस बिहाब पे इसे रिजेक्ट करना है।
तो जब आप सोचोगे, अपने आप से रिलेट करोगे, समाज के बारे में सोचोगे, या जिस फील्ड से क्वेश्चन दिया हुआ है उस फील्ड से आप रिलेट करके जब सोचोगे, तो ऑटोमेटिक आप में वो क्षमता जनरेट हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप पेपर देने जाओगे, पढ़ने के बाद, कथन को पढ़ने के बाद तर्क पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिक वो आइडिया जनरेट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से यह बहुत रिक्वेस्ट है और ये आपको अच्छा एडवाइस भी है कि आप जब भी पढ़ें मन से पढ़ें, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या वाला है। अगर 10 से 15 हज़ार अगर वैकेंसी आ रही है, तो 20 लाख 40 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। अब 40 लाख में आप देख लो कि हमारी इतनी जनसंख्या में इंटेलिजेंट बच्चों की कमी है नहीं। अगर कमी रहती तो 80-85-90% कट ऑफ तो जाता ही नहीं। इसलिए आप लोग मेहनत करें और पूरी मन से पढ़ें। और एक बात याद रखें, 21 से 22 साल तक ग्रेजुएशन और 25 साल तक हर हाल में आपकी एजुकेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद आप काम करें, अर्न करें, अन्यथा अगर अपने आप को आप उसके अनुकूल नहीं बनाते हैं, तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ेगा। ओके, थैंक यू।